बड़ा मुश्किल सवाल है ये. एम्ब्रेसिंग अ नियर नॉर्मल लाइफ आफ्टर हेड एंड नेक कैंसर. बहुत सारे फैक्टर्स है जो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल ये सब में. पेशेंट का फिजिकल हेल्थ, पेशेंट का साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसकी मानसिकता बड़ी बिगड़ जाती है. वो जाता है चार बंदों के बीच में, ही फील्स कि भाई मैं किस तरह से खाऊं, मैं किस तरह से रहूं, क्या वो लोग मुझे देखेंगे, क्या वो लोग मेरी टिप्पणी करेंगे, क्या वो लोग मेरे पीछे बताएंगे कि ये तो तंबाकू खाता था. आई वुड लाइक टू से दैट ऑल कैंसर्स आर नॉट बिकॉज ऑफ टबैको, इट कैन बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ जेनेटिक चेंजेस. एंड एक बार गलती की है, लेकिन कहते ना कि अगर ये कुछ गलत किया है, आखिर वो फाइनली लाइन पे आ गया है, आखिर वो सुधर गया है, तो हमने उसकी पहले की आदत पास हिस्ट्री पे क्यों ड्वेल करना. वाई शुड वी ड्वेल ऑन दैट, वी शुड ड्वेल ऑन वॉट ही हैज डन. ही हैज ओवरकम नॉट ओनली कैंसर, ही हैज ओवरकम टोबैको सेसेशन. आई एम डॉक्टर स्नेहल शाह, आई एम अ हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, आई एम अ टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट. मैं तंबाकू बंद कराता हूँ, और ये लोग फटाफट बंद कर देते क्योंकि उन ये जो प्रोसेस से गुजरते हैं वो बड़ा दर्दनाक होता है, उनके लिए बड़ा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये लड़ लेते हैं, इससे निकल पाते हैं. तो व्हेन वी से कि नियर नॉर्मल लाइफ करना बड़ा मुश्किल है, एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स है. पार्टनर अपना किस तरह से अपने साथ कोऑपरेट करता है, काफी बार पार्टनर को अपने साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अपने डाइटरी हैबिट्स. सो डाइटरी हैबिट्स, माय ईटिंग हैबिट्स, माय स्लीपिंग पोस्चर, माय सेक्सुअल डिजायर्स, इंटीमेसी, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस. पार्टनर इज इक्वली अ पार्टनर एज वी से इन दिस प्रोसेस ऑफ कैंसर रिहैब. ये अगर अपना साथ दे, जो देते हैं, फिर भी थोड़ी जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल है. इट कम्स टू नियर नॉर्मल, इट इज नेवर नॉर्मल. टू नो मोर अबाउट कैंसर सर्वाइवरशिप, प्लीज डू विजिट माई वीडियो. लेट अस लुक ऑन टू द मोस्ट निग्लेक्टेड टॉपिक. आप जाते हो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज में, वहां पे भी इसका जिक्र नहीं होता है. हमने यही कहना है सबसे कि इस पे भी ध्यान दिया जाए. सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे लिए एज अ सर्जन, मेरा सर्जरी अच्छा हो जाए, लेकिन फॉर पेशेंट वो कोई मायने रखता नहीं है. सबसे ज्यादा मायने रखता है कि क्या वो उठ खड़ा होकर बैठ सकता है, चार लोगों में समाज में बैठ सकता है, वो मुंह दिखाने के लायक बन सकता है. हमने कोशिश वो करनी है कि वी गेट दिस पेशेंट्स बैक टू द नॉर्मल, टू द नॉर्मल सोशल लाइफ. थैंक यू सो मच.